अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, यार ये जेवी क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है। ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फैक्ट्री अनलॉक क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्ट सिम लगाते हैं, फैक्ट्री से अनलॉक होता है, डायरेक्ट सिम चलती है। जेवी क्या होता है, जेवी चिप के थ्रू जो है वो सिम आप चला सकते हो उसमें। तो कुछ लोग पूछ रहे थे जेवी चिप क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या तरीकेकार होता है, तो आज हम आपको यही दिखाने लगे कि ये देख लीजिए, ये है एक जेवी चिप, ठीक है। ये एक किस्म की जेवी चिप है, इस तरह ये मैनुअल है, इसी तरह ऑटो भी आती है, मुख्तलिफ किस्म की जेवी चिप आती है। ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जेवी चिप इस तरह की होती है, जिसमें क्या होता है, सिम यहाँ पे बीच में लगती है आपके, ठीक है। ये आपकी जहाँ पे सिम जैकेट होती है, जहाँ पे ये इसको फिक्स करते हैं, और फिर यहाँ पे सिम लगती है, और फिर इसको यूँ बंद करके फ़ोन में लगा दी जाती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो है ना, आपको जेवी वाला बंदा जो होता है, इसका काम करने वाला, वो लगा के देता है। ये आप हर बंदा आम खुद ही उठा के नहीं लगा लेता, इसमें थोड़ी जो है ना टेक्निकलिटी होती है, वो देखनी पड़ती है। तो ये जेवी चिप होती है, देख लीजिए, इस तरह की एक जेवी चिप होती है, जिसमें आपकी सिम लगती है, और फिर वो जो है आप किसी भी जेवी फ़ोन में, लेट सपोज ये जेवी फ़ोन है, तो आप इसमें जो है ना वो इसको लगा देते हैं, तो इसके थ्रू सिम चलती है। तो बेसिकली ये वो जेवी चिप है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह की चिप होती है, ये एक इसकी एग्जांपल है। इस तरह की और भी जेवी चिप ऑटो के नाम से भी आ गई हैं, एक जेवी चिप, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये मेरे पास एक चिप पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि इस तरीके से इसमें सिम लगती है, और फिर ये फ़ोन में इंसर्ट होती है, और उसके बाद जो है ना आपका फ़ोन सिम चलाना शुरू कर देता है। अगर आपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर अनलॉक करवा लिया है, तो फिर ये चिप नहीं चलती, फिर डायरेक्ट सिम चलती है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉक करा लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर अनलॉक कराने के बाद आप फ़ोन को रीसेट करते हैं, तो वो फिर अपनी सेटिंग पे वापस चला जाता है जेवी की, तो फिर जेवी चलानी पड़ती है। तो इसलिए जब आप जेवी फ़ोन लेते हैं, और पहले तो जहन में रखेंगे जेवी फ़ोन ले रहे हैं, तो इसका मतलब सिम नहीं चलानी, और अगर सिम चलानी है तो जेवी चिप के थ्रू सिम चलती है, इसमें सिम लगती है और फिर वो फ़ोन में लगती है और उसके थ्रू सिम चलती है। तो ये थी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और आप लोगों के सवाल भी आ रहे थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, वीडियो यूज़फुल रहे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।